सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉरएवर पर। अब दोस्तों, फाइटर मूवी का ऑफिशियल रन टाइम निकलकर सामने आ चुका है और यहां पर ऑफिशियल ये भी निकलकर सामने आ चुका है कि फाइटर मूवी को सेंसर बोर्ड की तरफ से कौन सा सर्टिफिकेट दिया गया है। अब आपको बता दें कि रन टाइम थोड़ा सा बड़ा है तो कई लोग ऐसे हो सकते हैं कि उनको थिएटर में ही नींद आने लगेगी, क्योंकि दोस्तों अगर फाइटर मूवी कहीं ना कहीं जबरदस्त नहीं निकल कर आती है तो कई लोग थिएटर में ही हो जाते हैं और उन लोगों को, खासकर जो हेटर्स होते हैं, वो नींद आने की एक्टिंग करते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि फाइटर का जो ऑफिशियल रन टाइम है वो कितना होने वाला है और इसको सेंसर बोर्ड की तरफ से कौन सा सर्टिफिकेट दिया गया है। सबसे पहले आपको बता दें, सेंसर बोर्ड की तरफ से फाइटर मूवी को यूए का सर्टिफाइड दिया गया है। यूए से ये सर्टिफाइड हो चुकी है, यानी कि इस मूवी में कोई भी वल्गर एक्टिविटी नहीं होगी, इसे हम विद फैमिली बड़े ही आराम से एंजॉय कर सकते हैं। वहीं दूसरी बात आती है कि इसका रन टाइम कितना होने वाला है, तो फाइटर का रन टाइम थोड़ा सा हमें बड़ा देखने को मिलेगा, 2 घंटे 46 मिनट और 33 सेकंड का, 2 hours 46 minute और 33 seconds का यहां पर फाइटर का ऑफिशियल रन टाइम होने वाला है। मतलब दोस्तों 2.5 घंटे से भी बड़ी मूवी होने वाली है, ऑलमोस्ट 2.75 घंटे की ये मूवी है, 2 घंटे 46 मिनट और 33 सेकंड की मूवी होने वाली है। अब हम मूवी के बीच के अगर इंटरवल को भी ऐड कर देते हैं और मूवी के स्टार्ट की ऐड को प्लस बाहर निकलने के टाइम को, तो ये ऑलमोस्ट दोस्तों 3 घंटे 15 मिनट हमें पूरा कवर करना पड़ेगा मूवी स्टार्ट होने से लेके मूवी एंड होने तक। और ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इतनी बड़ी मूवी नहीं देख पाते हैं और उनको थिएटर में ही नींद आने लगती है। फिलहाल आप बताइए, क्या आपके हिसाब से फाइटर का जो रन टाइम है 2 घंटे 46 मिनट और 33 सेकंड का, वो सही है या नहीं है। अब मूवी पैट्रियोटिज्म से भरी होने वाली है। अगर कहीं ना कहीं ये देशभक्ति वाली मूवी लोगों के दिलों में उतर जाती है और लोग इससे कनेक्ट हो जाते हैं, तो 2 घंटे 46 मिनट क्या एनिमल जैसी मूवी 3 घंटे 21 में भी हमें बोर नहीं करी थी, तो ये कोई बहुत बड़ी मूवी उस हिसाब से नहीं है। आप बताइए, आप फाइटर के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही मूवीज से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करके रखिए आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉरएवर को।